अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 13 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए विश्व रेडियो दिवस, बी विश्व टेलीविजन दिवस, सी विश्व पंखा दिवस या विश्व विद्युत दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर के सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र में शौच करने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार। भागलपुर के सुल्तानगंज बाद थाना क्षेत्र के मधुसूदनपुर गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि 11 तारीख को शाम 7 बजे एक युवती शौच करने बिहार गई थी, तभी जट्टा सिंह नाम के एक शख्स ने नाबालिग लड़की को पकड़कर गौशाला में ले जाकर बलात्कार किया। इस मामले को लेकर थाने में लिखित आवेदन देने पर बाद थाना पुलिस हरकत में आई और पीड़िता को मेडिकल के लिए मायगंज अस्पताल भेजा। वहीं आरोपी जट्टा सिंह घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। वहीं इस मामले में बाद थाना पुलिस के दिवाकर कुमार ने बताया कि पीड़िता को जाँच के लिए मायगंज भेज दिया गया है। वहीं आरोपी के धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। युवक जट्टा सिंह पिता नारायण सिंह सजौर थाना क्षेत्र के खरोस गांव का रहने वाला है। 1.5 माह से बहन बहनोई के घर में रह रहा था। वहीं बाद थाना पुलिस आरोपी युवक की तलाशी में जुट गई है। हमारे साथ सात बजे मतलब कब लेके गया था? नाम क्या हुआ तुम्हारा? तारीख को हीना कुमारी शौच करने के लिए गई हुई थी, तो लड़का का बहन बहनोई ग्राम नौटोलिया में है, उसी के यहाँ 1.5 महीना से रह रहा था लड़का। 11 तारीख के संध्या 7 बजे शौच करने गई, उसी समय बधार में जा करके इसको पकड़ लिया, पकड़ के ले जा कर करके गौशाला में इसके साथ बलात्कार किया। कितने युवक थे सर? युवक एक था। क्या नाम है? जट्टा सिंह। कहाँ का है? खरोस सजौर थाना का है। पिता का नाम महावीर अथी नारायण सिंह है। यही मामला है। परिचय सर अपना? मेरा परिचय हुआ सनी दिवाकर कुमार बात थाना। एशिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। नवगछिया के 9 परीक्षा केंद्र पर होगी मैट्रिक की परीक्षा, 4567 परीक्षार्थी होंगे शामिल। नवगछिया अनुमंडल में मैट्रिक की परीक्षा को लेकर 9 परीक्षा केंद्र का चयन किया गया है। परीक्षा को लेकर नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। नवगछिया में बनाए गए सभी 9 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में 4567 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। नवगछिया के जीवी कॉलेज, इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय, रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय, बाल भारती विद्यालय, सावित्री पब्लिक स्कूल, प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय, बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय एवं श्री लाल जी मध्य विद्यालय सिंधिया मकनपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। नवगछिया में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्र बालिकाओं के लिए बनाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडल प्रशासन के द्वारा सभी परीक्षा केंद्र पर 2 स्टैटिक दंडाधिकारी, 1 वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही 4 गश्ती दल दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग करेंगे। बिहपुर सीएस ने किया बिहपुर सीएससी का निरीक्षण।
शनिवार को प्रखंड के सीएससी में सीएस विजय कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान सभी विभागों में जाकर निरीक्षण किया। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पोद्दार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। सीएस विजय कुमार सिंह ने सीएससी के बाहर हर्बल गार्डन, सीएससी में दवा वितरण काउंटर, दवा भंडारण, किचन, ओपीडी, ओटी सभी विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान जानकारी मिली कि कुछ माह पूर्व भी आधुनिक डेंटल मशीन तकनीकी कारणों से खराब है। इसके बारे में कई माह पूर्व भी कई बार सूचना देने के बाद भी ठीक नहीं हो पाया है। वहीं जांच के बाद सीएस ने पत्रकारों से बात करते हुए जांच को संतोषजनक बताया। थाने विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया शिक्षा रोजगार अधिकार यात्रा पहुंची नवगछिया। आयोजित की गई शिक्षा बेरोजगार अधिकार यात्रा सभा नवगछिया स्टेशन परिसर पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में NDA द्वारा 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 19 लाख रोजगार को हम जुमला नहीं बनने देंगे। नीतीश सरकार रोजगार की मांग कर रहे छात्र नौजवानों के साथ तानाशाह की तरह भाषा बोल रहे हैं। रोजगार देने के वादे को पूरा करने के बजाय रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों को नौकरी नहीं देने की बात कर रहे हैं। बिहार के छात्र नौजवान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र में बनी मोदी सरकार देश के संस्थाओं को बेच रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम को बेच दिया जो हमेशा फायदा देती रही है। भारतीय लाइफ लाइन रेलवे को भी बेच दिया। अब खेती को अंबानी और अडानी को दे रही है, जिसके लिए 3 किसान विरोधी कानून बनाया गया है। वहीं मौके पर ऐसा के राज्य उपाध्यक्ष वतन कुमार, अजय कुमार, प्रशांत कुमार एवं इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव गौरी शंकर राय, ऐसा राज्य कमेटी सदस्य प्रवीण कुशवाहा समेत अन्य ने संबोधित किया। इस्माइलपुर में दांत रोगियों के लिए नियमित सेवा आज से। इस्माइलपुर में दांत रोगियों के लिए नियमित सेवा आज रविवार से शुरू कर दी जाएगी। जानकारी PSC प्रबंधन की ओर से दी गई है। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया महिला की हत्या कर सब को अर्धनग्न कर कोसी नदी में फेंका। शनिवार की अले सुबह नवगछिया के कोसी नदी पर बने बाबा विश्व राउत पुल के उत्तरी छोर समीप नदी किनारे एक अज्ञात महिला की अर्धनग्न सब मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। ज्ञात हो कि प्रताप नगर कदुआ के कुछ विद्यार्थियों हर रोज की तरह 4 लेन सड़क होकर दौड़ करते हुए पुल के पास पहुंचकर व्यायाम कर रहे थे। इसी बीच एक युवक की नजर महिला की सब नदी किनारे दिखाई दिया। जानकारी मिलते ही इलाके के सैकड़ों लोग सब को देखने पहुंचे, लेकिन सब की पहचान नहीं हो पाई है। महिला छीट वाली साड़ी व कथई रंग की ब्लाउज पहनी हुई, कमर के ऊपर शरीर खुला हुआ था। प्रथम दृष्टिया सब देखने से प्रतीत होता है कि महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतका के चेहरे की टुड्डी पर जख्म भी है, जिससे काफी रक्त का रिसाव हो रहा था। महिला का पूरा चेहरा, बाल और शरीर के अन्य हिस्से बालू से भरे पड़े थे। यहां तक कि मुंह के अंदर भी उसी किनारे का बालू चला गया था। सब देखने से प्रतीत होता है कि जिस जगह पर महिला की सब मिली है वहां पर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है और महिला के साथ मारपीट भी हुई है। महिला ने अपराधियों के साथ काफी संघर्ष भी किया है। लाश अर्धनग्न थी, इसलिए बलात्कार होने की भी आशंका है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सूचना मिलते ही नदी थाना प्रभारी मकबूल अहमद ने मौके पर पहुंचकर सबका पोस्टमार्टम कराने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी मकबूल अहमद ने बताया कि किसी ने रात में ही महिला की हत्या कर सबको भी छिपाने के लिए कोसी नदी में फेंक दिया। देर रात तक सबकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पोस्टमार्टम कराकर सबको नदी थाने में ही रखा गया है, जिसकी शिनाख्त नहीं होने पर 2 दिन के बाद सबका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। नदी थाना पुलिस ने आसपास के विभिन्न थाना क्षेत्र के
थाने में महिला की शिनाख्त के लिए वायरलेस किया है और सोशल मीडिया पर भी महिला की तस्वीर को वायरल किया गया है। नवगछिया के रंगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर संपन्न। रंगरा मंडल में चल रहे भाजपा कार्यकर्ता का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। इसके पूर्व कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेंद्र मिश्र ने की। तीन सत्रों में क्रमशः श्री किशोर झा, आलोक कुमार सिंह और मनोज पांडे ने कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बातों को रखा। विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता सुलेखा देवी, ब्यूटी कुमारी और सुभाष चंद्र सिंह ने किया। कार्यक्रम में अंत में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता अजीत सिंह ने संक्षिप्त भाषण से कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। इस अवसर पर नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी, अजीत सिंह, धीरज सिंह, वीरेंद्र दास, मनोज मंडल, महामंत्री अखिलेश सहित कई अन्य उपस्थित थे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया के खरीक में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। बिहपुर विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। खरीक के कैलाशपति मिश्र सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन खुद बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होकर विश्व में अपनी विचारधारा का डंका बजा रही है। वसुधैव कुटुंबकम और सांस्कृतिक मूल्यों को साथ लेकर चलने वाली हमारी पार्टी का मूल मंत्र राष्ट्रवाद है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाजपा से संबंधित कई गूढ़ जानकारियों से भी अवगत कराया। वहीं मौके पर इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, भाजपा खरीक मंडल अध्यक्ष आलोक शर्मा, विधायक प्रतिनिधि नवीन कुमार चौधरी, अजीत चौधरी, जनसंघकालीन कार्यकर्ता सदानंद जी सहित कई भाजपा नेता की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया, वाहन चेकिंग के दौरान 23 वाहनों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग अभियान एवं मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को पुलिस जिले के थाना क्षेत्र में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में 23 दोपहिया वाहनों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के कारण पकड़ा गया। पकड़े गए वाहन से कुल 21,500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं मास चेकिंग अभियान में 87 लोगों को पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करते हुए पकड़ा। पकड़े गए लोगों से कुल 4,350 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया, दो टेम्पू के बीच भिड़ंत, एक ही परिवार के तीन लोग घायल। नवगछिया के पर्वता थाना क्षेत्र के जमुनिया 14 नंबर रोड के पास शनिवार को दो टेम्पू के बीच हुए सीधी टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोग घायल हो गए। घायलों में मुंगेर जिला के नवागढ़ी के रामदेव मंडल, केदार मंडल, रणवीर मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों से मिली जानकारी के अनुसार रामदेव मंडल की स्थिति काफी गंभीर थी। मामला पुलिस के संज्ञान में है। नवगछिया, प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर नवगछिया थाना कांड संख्या 401/19 के प्राथमिकी अभियुक्त पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के जगतपुरा निवासी श्याम नारायण प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नवगछिया, 3.75 लीटर विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। नवगछिया के इस्माइलपुर पुलिस ने छापेमारी कर 3.75 लीटर विदेशी शराब के साथ इस्माइलपुर निवासी मुकेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बिहपुर, वाहन जांच के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ युवक गिरफ्तार। बिहपुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान शुक्रवार को थाना क्षेत्र के लत्तीपुर इमली चौक 14 नंबर सड़क पर लत्तीपुर पछियारी टोला निवासी रामविलास यादव के पुत्र लालू कुमार यादव को चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बिहपुर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। मामले को लेकर बिहपुर में थाना कांड संख्या 56/21 दर्ज कर
पुलिस छानबीन में जुट गई है। विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।